हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और स्टार्टिंग हो गई है मेरी ब्लॉग की। तो देखते हैं आज क्या क्या हो पाता है मेरे से, और ये देखिए मैं अपलोड कर रही हूँ। तो अभी 8 बज रहे हैं और किचन से मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कपड़े धोने हैं। तो बेडशीट वगैरह, और हर 2 से 3 दिन पे बेडशीट को धोना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो काफ़ी बहुत जल्दी जल्दी जो बेडशीट है वो गंदी हो जाती है। और आज मैं धोऊंगी अपनी मच्छरदानी को, क्योंकि मेरी मच्छरदानी पे ना बहुत काली हो गई, देखिए। और मेरे बच्चे जो है ना, वो बिल्कुल उठना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं उठना चाहते हैं, देखो। तो बहुत मुश्किल होता उठाना, इन्हें बहुत नींद आती है, बहुत। अभी 8 बज रहे हैं, अब सोच लीजिए 8 बजे तक ये लोग उठ सकते हैं। तो उठाती हूँ इनको, और किचन में ना मेरा काम हो चुका है, तो किचन में मैंने खाना बना लिया, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे ब्लॉग पर बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो पे कोई भी न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ कपड़े वगैरह धो करके, मेरे सारे कपड़े थे धुल गए, और सच में बहुत थक गई क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। और ये देखिए दूसरा चादर जो था, बेडशीट था, वो मैंने बिछा दिया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ना बहुत मेरी सिस्टर जो बोलती है कि आप कोई ब्यूटी टिप्स भी शेयर किया कीजिए, तो मैं आज आप लोगों से वही शेयर करूँगी। कि मैं तो अभी मैं नहाई नहीं, तो नहाने से पहले ना मैं एक फेस पैक जो हमेशा लगाती हूँ, यानी कि मैं सप्ताह में 3 बार इसे ज़रूर लगाती हूँ, जो कि है ये। तो ये पाउडर है, मैं आपको बताऊँ ये किस चीज़ का है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें ये रहा टोमेटो, तो टोमेटो का जो उसका है इस तरह से करके इसमें जूस डाल देंगे और इसको मिला देंगे। तो ये पैक है, मैं बताऊँगी आपको, पहले इसको मैं लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पैक है, मैं इसे लगाऊंगी, और ये पैक कुछ नहीं, किचन में ही हमारे मिल जाएगा। तो ये क्या क्या है इसमें मैं बताती हूँ आपको। तो इसमें ये है मसूर की दाल, मसूर की दाल जो दाल बनती है वो, और इसमें है चावल, जिससे जो चावल अरवा चावल जो होता है वो, जो खीर बनाते वो। और इसमें ना बेसन भी मिला सकते हैं, पर मैं बेसन नहीं मिलाई हूँ। तो इसको पहले मैं स्क्रब जैसे यूज़ करते, थोड़ी सी मैंने मोटी पीसी है। तो आप चाहे तो चावल और मसूर की दाल को फुला के भी पीस सकते हैं, या तो फिर आप उसको इसी तरह भी मिक्सी में पीस सकते हैं। तो अगर फुलाने का टाइम है तो फुला कर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ना थोड़ी सी मैं मोटी पीसी हूँ, क्योंकि मैं इसको स्क्रब भी करती हूँ इसी से। तो बस इससे अच्छे से पहले फेस को स्क्रब करूँगी, और मैंने इसमें मिलाया है हल्दी। और आप इसको ना, मतलब ये पाउडर जैसे रहते हो गई ना, तो आप चाहे तो इसको एलोवेरा जेल, या फिर रोज़ वाटर, या फिर टमाटर, मतलब जिससे चाहो, दही, किसी से भी, जो आपको नींबू का रस जो आपको सूट करे उससे कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बदल के कभी टोमेटो जूस, कभी दही के साथ करती हूँ। तो बस अब मैं स्क्रब कर चुकी हूँ, तो बाकी जो बची हुई है वो थोड़ी सी मैंने उसको पतली कर दी हूँ, और मैं यहाँ पे फेस पैक की तरह लगा रही हूँ, और इसे सूख जाने के बाद धो लूँगी। और हाँ, जब भी हम अगर फेस पैक लगाते हैं, तो मैंने फेस को पहले क्लीन कर ली थी, तो क्लीन करके ही लगाए। तो कुछ नहीं, इसको ड्राई करना है 20 मिनट या फिर 25 मिनट्स लग जाएंगे सूखने में। तो और ये जिस अगर गर्दन में लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्दन में इससे काफ़ी साफ हो जाती है, और फेस पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो ये मेरी सिस्टर की खास रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो सेम में बनाई हूँ। फ्रेंड्स, मैं नहा करके हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और अभी मैं आई हूँ किचन में, और देखिए मेरा आग, अभी मैंने प्याज काटे बहुत सारे, तो सच में बहुत प्याज काटने से बहुत आंसू आती है मुझे। मैं तो 2 प्याज भी नहीं काट पाती हूँ, पर किसी तरह रोते रोते काट लेती हूँ प्याज को। तो अभी मुझे बनाना है चिकन, तो मैं जो मेरा ब्लॉग है, तो जो भी मैं बनाती हूँ हम लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस वही है, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत मन था चिकन खाने का। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे मैं चिकन बनाऊँगी, और आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो ये रही चिकन, और यहाँ पे मैंने छौंक लगाने के लिए लिया है तेज़पत्ती, लहसुन, प्याज,
और हरी मिर्च और ये रहा ज़ीरा। तो सबसे पहले मैं डाली हूँ तेज़पत्ता और फिर ज़ीरा, और उसके बाद फिर मैं डालूँगी प्याज। तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि फ़ोन भी मैं पकड़ी हुई थी, तो ये सब मैं छौंक में ही डालूँगी। और कुछ लहसुन ना मैं छौंक में भी लगाती हूँ और बाकी पीस करके डालती हूँ। तो बस इन सबको अच्छे से लाल करना, प्याज को कुछ देर तक लाल करना है, गोल्डन करना है। तो ये देखिए रहा मेरा चिकन, तो मैं इसको अच्छे से धो ली हूँ, चार पानी से मैंने धोया है चिकन को। तो चिकन को कभी भी धो तो अच्छे से धो। और हाँ, चिकन को मैंने ना आधे घंटे पहले मैंने इस चिकन में ना एक नींबू डाल दिया था। तो नींबू डालने से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है चिकन में। तो जब भी चिकन बनाते हैं तो कोशिश करें, मैं हमेशा करती हूँ कि नींबू को डाल देती हूँ, नींबू का जो रस होता है उसे। तो प्याज मेरा लाल हो चुका था, और यहाँ पर मैंने मसाले में लिया है ज़ीरा गोल्ड की, लहसुन, मिर्च और प्याज, और ये रहा गर्म मसाला। तो बस मैं इतना ही मसाला डालूंगी चिकन में, और ऊपर से मैं डालूंगी चिकन का जो मसाला आता है वो। तो प्याज मेरा लाल हो चुका था, तो मैं यहाँ पे चिकन भी डाल दी हूँ, चिकन को साथ में फ्राई करूँगी। तो ये देखिए भूज रही हूँ अच्छे से, और चिकन को डालने के बाद क्या होता है, चिकन से थोड़ी पानी देने लगती है, तो वही मेरे हो रहा था। तो बस पानी वगैरह सूख गए थे, तो ये रहा मेरा मसाला जो मैंने आपको दिखाया था। और बहुत इतने कम मसाले में बहुत अच्छा चिकन बन जाता है। और यहाँ पर मैं नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। तो बस चिकन को अच्छे से भूज लूँगी मसालों के साथ। तो बस भूजते रहना है जब तक चिकन अच्छे से भुजा ना जाए। तो थोड़ा सा लाइट का भी प्रॉब्लम था, तो ये रहा मेरा गरम मसाला। तो गरम मसाला भी मैं साथ में ऐड कर दे रही हूँ। तो बस ये देखिए उसको अच्छे से भूजो। तो ऐसे तो चिकन बहुत तरीके से बनाए जाती है, पर ये सबसे सिंपल तरीका है जो सभी इसी तरह से बनाते। तो बस मसाला ये देखिए मेरा अच्छे से भुजा रहा है। और किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी कि चिकन की रेसिपी शेयर करो, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो ये देखिए बस मेरा मसाला जो अच्छे से भुजा जाएगा भुजा। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दी हूँ, और उसको बहुत ठीक उतारूँगी। और ये रहा मेरा एवरेस्ट का मीट मसाला, तो मैं यही मसाला डालती हूँ। और ये रही धनिया पत्ती। तो बस मेरा चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और सच में बहुत टेस्टी बना था। तो एक बार इस तरह भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो बस आज का ही था मेरा वीडियो, आई होप आपको मेरा जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, और चिकन की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरा आपको रेसिपी अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहा फाइनल लास्ट जो है चिकन का लुक। तो प्लीज़ वीडियो पे अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।